हरनाबांधा मुक्तिधाम में जर्जर अवस्था और मूलभूत सुविधा नदारद होने से लोग परेशान हैं। पूर्व सभापति देवांगन ने कहा, दुनिया में चर्चित शमशान घाट को सहज नहीं पा रहे हैं। कभी कविताओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर प्रख्यात कवि सुरेंद्र दुबे द्वारा तत्कालीन महापौर सरोज पांडे के कार्यकाल में हरनाबांधा में बनाए गए सर्व सुविधा युक्त मुक्तिधाम का अपनी कविताओं के माध्यम से बखान किए जाने के कारण देश ही नहीं दुनिया में भी चर्चित रहा। वहीं मुक्तिधाम आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। कारण कि निगम प्रशासन की अनदेखी व सत्ता बदलने के बाद काबिज कांग्रेसी परिषद को शायद मानव जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंचने वाले मृत शरीर व शोकाकुल उनके परिजन को सुविधा के अभाव में दाह संस्कार के समय होने वाले तकलीफों का आभास नहीं है कि किस प्रकार शव जलाने के लिए बनाए गए एंगल तथा शेड जर्जर हो गए हैं और लोगों को खुले आसमान के नीचे अग्नि संस्कार करना पड़ रहा है। और तो और दाह संस्कार के पहले विधि विधान से नहाने के लिए मुक्तिधाम परिसर में पानी नहीं होने के कारण जल शुद्धिकरण के लिए भी लोगों को बाहर दूषित तालाब में नहाकर आना पड़ता है। इस संबंध में निगम के पूर्व सभापति भाजपा प्रवक्ता दिनेश देवांगन ने कहा कि आज वे भी अपने वार्ड के एक नागरिक की मृत्यु पर अंत्येष्टि में शामिल होने हरनाबांधा मुक्तिधाम गए थे, जहां शहर के अन्य क्षेत्र से भी 3 अलग अलग शव यात्रा शमशान घाट पहुंची थी, जिसमें अनेक समाज के गणमान्य लोग शामिल थे। लेकिन शमशान घाट की दुर्दशा देखकर वे सभी निगम प्रशासन व विधायक महापौर को कोसते हुए उनसे विपक्षी दल के नाते इस मुद्दे पर आवाज उठाने की शिकायत की व शव दहन करने वाले स्थल के ऊपर शेड दिखाया, जहां केवल ढांचा खड़ा है और शेड गायब है, जिसे खुले आसमान के नीचे लोग लाशों को जला रहे हैं। वहीं ढांचे में लगे एंगल भी जर्जर हालत में हैं, जो कभी भी गिरकर बड़ा हादसे का कारण बन सकते हैं। इसी प्रकार पूरे परिसर में बूंद भर पानी नहीं है, लोगों को हाथ धोने बाहर दूषित तालाब में जाना पड़ रहा है। इस अवस्था को देखकर पूर्व सभापति दिनेश देवांगन स्वयं अधिकारियों से बात कर इस समस्या के प्रति ध्यान आकृष्ट कराया और तत्पश्चात अधिकारियों ने शीघ्र इस दिशा में व्यवस्था सुधारने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस समस्या पर पूर्व सभापति दिनेश देवांगन ने प्रशासन से ज्यादा विधायक वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल को अधिक जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया है कि विकास कार्य की उपलब्धि का बड़े बड़े होर्डिंग व पोस्टर लगाने वाले विधायक महोदय को जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंचने वाले लोगों की मूलभूत सुविधाओं का भी ख्याल नहीं। ये हरनाबांधा दुर्ग का मुक्ति धाम है। इस शमशान घाट का भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमारे दुर्ग के कवि सुरेंद्र दुबे जी आठन करते थे। हम लगातार देखते थे इस मुक्ति धाम की तारीफ इतनी होती थी कि लोग मरने का मन करता है, ऐसा वो पाठन करते थे। आदरणीय सरोज पांडे जी के कार्यकाल में ये मुक्ति धाम बनी थी तो बहुत तारीफ होती थी। ये दुर्भाग्य है, नगर निगम में जब से कांग्रेस की सरकार आई है आप देख लीजिए कितनी जर्जर अवस्था में मुक्ति धाम है। पानी की व्यवस्था नहीं है, लोग अंत्येष्टि के पहले जब अंतिम संस्कार आप देते हैं तो नहाने के लिए उन्हें गंदे तालाब में जाना पड़ रहा है। बोर कई कई दिन से बंद है, ये शेड देख रहे हैं, ये झूल रहे हैं, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मेरे अधिकारियों से बात हुई, कहा काम चल रहे हैं, काम कितना धीमा है और किस प्रकार से नगर निगम में काम चलता है ये इसको दिखाता है। लोग बेहद आक्रोशित हैं। आज यहाँ पर लगभग 3 से 4 अंतिम संस्कार के लिए बॉडी आई थी। सभी लोगों का कहना था कि नगर निगम का काम बहुत धीमा है, लचर व्यवस्था है और इसकी पूरी जिम्मेदारी दुर्ग विधायक अरुण मोरा के हैं, महापौर धीरज बाकलीवाल के हैं। उन्हें चाहिए था कि जब सबसे संवेदनशील क्षेत्र है मुक्तिधाम, जहाँ पर जीवन का अंतिम यात्रा समाप्त होती है, इस जगह का भी वो कायाकल्प नहीं कर पाता। जो भारतीय जनता पार्टी के समय के जो धरोहर है, जो विकास कर रहे हैं, उसको भी सहज नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह से ये हम साथ देख रहे हैं कि कांग्रेस के राज में कोई सुविधा नहीं है, विकास कार्य पूरी पिछड़ गए हैं और ये मुक्तिधाम का शीघ्र कायाकल्प करना चाहिए ताकि लोगों को सुविधा मिले। एक सार्वजनिक नल भी लगाया जाना चाहिए, यदि बोर बंद है उस अवस्थिति में सार्वजनिक नल से लोगों को पानी मिले। लेकिन ऐसा लगता है कि नगर निगम में जिम्मेदार लोग, विधायक और जनप्रतिनिधि जिम्मेदार लोग संवेदनशील नहीं है, इसकी खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आज हम हरनाबांधा शमशान घाट में अपने परिवार के अंतिम संस्कार में आए हैं। ऐसा लगता है यहाँ बहुत सरेआम ऊपर लटकने लग गया है। परिवार की गमी को छुआकर आदमी अपनी मौत की परवाह करने लगता है। इतने जर्जर स्थिति में शमशान घाट की स्थिति आ गई, पानी पीने के लिए एक बूंद नहीं है, ना ही बोर है, ना ही नल। नहाने की तो बात छोड़ दीजिए, तालाब से ही नहा के आना पड़ रहा है। ये हाल है, कैसा होगा प्रशासन, कैसा होगा आम जनता के साथ, इस तरह से क्यों किया जा रहा है समस्या। आज हम लोग एक दुखद कार्यक्रम के तहत हरनाबांधा मुक्ति धाम आए हुए थे और यहाँ के जो शमशान घाट की व्यवस्था को देखकर बड़ा ही दुख और आश्चर्य होता है कि आदमी मृत्यु के उपरांत भी सहज से मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, ऐसा लगता है। क्योंकि यहाँ की जर्जर टीम के लटकते हुए
दुर्घटना जन्य जो स्थान है उसको देखकर आदमी ऐसे भी घबरा जाएगा और मृत्यु पर्यन जो आदमी सहज सुलभ होना चाहिए वो पानी की कमी नल के में किसी प्रकार के पानी का अभाव ये सारी चीज़ों से इतना बड़ा नगर निगम एकदम अल्टरेट है, परेशान है। पब्लिक आखिर जाए तो जाए कहाँ, इतनी दुर्दशा इनके कार्यकाल में हो रहा है, ये समस्या पर है कि आखिर निगम प्रशासन चाहती क्या है, यह आदमी सहज मौत न मरे और आदमी मृत्यु पर्यंत भी इतने ज़्यादा उनके परिजन की दुख देखना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़।